वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट क्राफ्ट एंड मैथ्स टाइम विद स्नेहा। मेरे को पता है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज मैं आपको करवाऊंगी कि छोटे छोटे बच्चों को नंबर नेम्स कैसे सिखाएं। जैसे 1 to 10 तक हम नंबर नेम छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं, ठीक है। बच्चा न्यूमेरिकल फॉर्म में तो लिख लेता है 1 2 ऐसे करके लिख लेता है। 1 न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होती है, अगर देखिए 1 2 ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म। बट जो हमारा नंबर नेम होता है वो कैसा होता है, 1 2 3 ऐसा हमारा क्या होता है नंबर नेम और ये होता है न्यूमेरिकल। ओके, तो बच्चा इसमें तो जल्दी लिख लेगा, ये तो आपको समझ आ जाएगा, बच्चे को जल्दी आ जाएगा। पर हमें अभी इसको क्या सिखा रहे हैं कि इसे नंबर नेम में कैसे लिखे, तो नंबर नेम में कैसे लिखना है और कैसे कैसे हमें ढंग से लिखना है, कहाँ कहाँ आपको ब्लॉक यूज करना है, कहाँ कहाँ आपको ब्लॉक छोड़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी और नंबर नेम का इजी तरीका भी करवाऊंगी। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1 to 10 तक की काउंटिंग लिख ली है, यानी कि मैंने न्यूमेरिकल सिस्टम लिखा है। अब मैं इसे करवाऊंगी नंबर सिस्टम में। तो पहले हमें डैश लगाना हमारा जरूरी है कि ये स्पेसिफाई करे कि कहाँ कहाँ हमने नंबर नेम लिखा है, कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल नेम। और अब देखिए 1 1 O N E 1, ठीक है, आप लिखिए O N E 1। ये थोड़ा सा आपके बच्चे को समझना पड़ेगा कि 1 ये वाली एक दो आपकी स्पेलिंग कुछ ऐसी आती है कि आपके बच्चे को समझना पड़ेगा। देखिए प्रोनंसिएशन में ऐसा है कि 1 तो W O N लग रहा है ना, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के दीजिए, पहले आप लिख के दीजिए O N E, उसे बोलिए कि ये ओन नहीं है, ये क्या है 1 1। तो आप इसे सिखाइए कि 1 इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे 1। अब हम करेंगे 2 2 करवाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर हमारी इंग्लिश की नोटबुक होती है तो उसमें क्या होता है, लाइंस बनी रहती हैं, तो जिससे बच्चा को इजी होता है लिखने में। बट ये देखिए मैथ में बहुत बार हमारा मार्क्स इसमें कट जाता है, हाफ मार्क्स हमारे मेनली इसमें कट जाता है अगर हम लिखते हैं। ये देखिए अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया O N E ऐसे, तो ये देखिए कैसा लग रहा है, ये आपको बहुत गंदा लग रहा होगा ना, और ये देखिए ब्लॉक के अंदर ही आप लिखेंगे ढंग से एडजस्ट करके तो कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए हमें यहीं से करना है और आपका मार्क्स भी कट सकता है अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। और चलो अब मैं आपको 2 करवाती हूँ। 2 2 आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल रहा होगा, 2 T W O 2 T W O 2। अब 3 3 3 R E E 3 4 4 F O U R मतलब र होता है ना तो R, ओके। देखिए इसमें बहुत बच्चों की ये गलती होती है कि F O R E लिख देते हैं वो 4 समझ के, पर हमें 4 4 4 हमें समझाना है कि U लगता है R से पहले, तब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे 4। अब देखिए 5 5 F I 5 V V E V 6 6 तो बहुत इजी है, सिक्स तो क्स मतलब समझ गए ना, एक्समस ट्री वाला सा। अब देखिए 7 7 7 1 1 7 8 A T। देखिए इसमें जी और एच साइलेंट है, तो मैंने आपको बोला था ना ये 2 3 ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है, उनकी स्पेलिंग हमें याद करनी पड़ती है, बाकी सब तो हमें प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाता है, पर कुछ कुछ स्पेलिंग हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए ट आप ऐसे बोल सकते हैं 8 8 8। अब 9 9 N I 9 N E N 9 10 T E 10 और न 10, ओके 10। तो अब हमने कहा, मैंने आपको क्या सिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 न्यूमेरिकल सिस्टम में। नहीं, न्यूमेरिकल सिस्टम में तो हमें समझ आ जाता है, पर नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा।
बाय बाय।